हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिहार में आ चुकी है बाहर एक के बाद एक वैकेंसीज जो है लाखों की संख्या में आ रहे हैं। 1,70,000 वैकेंसीज आए और उसके बाद फिर जो है अभी 70,000 वैकेंसीज आई, जिसमें कि एक बड़ी अपडेट आज निकल कर आ रही है कि 50,000 वैकेंसीज जो है पदों की संख्या फिर से रिक्तियां बढ़ा दी जाएंगी फेज टू में। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि बिहार में हर साल जो है स्थायी शिक्षक भर्ती की के विज्ञापन जारी होंगे हर साल, और रेगुलर जो है बीटेट वगैरह की परीक्षा करवाई जाएगी जिससे कि कैंडिडेट को मौका मिल सके। इस तरह सभी को मौका मिलेगा। कैसे? क्योंकि बिहार में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को भी अलाउ किया जा रहा है कि वो भी यहां पर आएं, और इस बार तो आपने देखा भी होगा केरला से, आसाम से, सभी जगह से कैंडिडेट्स को नौकरी मिली है। तो ये जो बड़ी अपडेट आई है, पूरी जो खबर है वो चेक कर लेते हैं आगे। बीपीएससी और शिक्षा विभाग में सहमति बन गई है, हर साल अगस्त के महीने में विज्ञापन जारी होगा और तय कैलेंडर के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा ली जाएगी। और इधर शिक्षक बहाली फेज टू में सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, 50,000 सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, बाकी 50,000 रिक्तियां जोड़ी जाएंगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, 1,20,000 पदों पर बहाली होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। हर माह हर वर्ष अगस्त महीने में बहाली निकाली जाएगी, 1,20,000 पदों पर बहाली होगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, बहुत अच्छी और सुखद खबर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। बिल्कुल, देखिए जो अभ्यर्थी चाहते थे, चूंकि वर्षों से यहाँ पर शिक्षक बहाली का इंतजार किया जा रहा था और 4 से 5 साल बाद जो है सरकार जो है एक तरह से संज्ञान लेती थी और ना तो एसटीईटी की परीक्षा होती थी ना बीटेट की, लेकिन अब जो है एसटीईटी की परीक्षा जहां अब जो है हर साल ली जाएगी, तो इसी प्रकार से जो है शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने एक बैठक की और बैठक में सहमति बन गई है कि एक अलग से कैलेंडर तैयार किया गया है बीपीएससी के द्वारा, और पूरी तरह से जिम्मा बीपीएससी को मिल गया है कि अब बाकी परीक्षा की तरह बीपीएससी जो है शिक्षक बहाली परीक्षा भी लेगा। और इसको लेकर अगस्त महीने जो है तय किए गए हैं, यानी हर साल जो है अगस्त महीने में जो है शिक्षक बहाली का फॉर्म निकलेगा, यानी विज्ञापन जारी किया जाएगा। और उसके बाद जो सीटेट, बीटेट, एसटेट, बीएड, डीएलएड जो पास अभ्यर्थी हैं, डिग्रीधारी हैं, वो ये अप्लाई कर सकते हैं और निश्चित रूप से उन्हें शिक्षक बनने का उनका सपना जो है पूरा होगा। और दूसरी तरफ जो अभी 1,20,000 पदों पर जो शिक्षक बहाली की बात चल रही थी, अभी तत्काल बीपीएससी ने 69,000 लगभग वैकेंसी दी थी, लेकिन अब जो है उसमें भी वृद्धि हो गई है और 50,000 जो है एक तरह से अगले 2 दिनों के भीतर जो है सीट बढ़ाने का फैसला लिया गया है, यानी 2 दिन बाद जो है 1,20,000 बढ़कर रिक्तियां हो जाएंगी, जिसको लेकर जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। तो एक तरह से अब 1,20,000 पदों पर ही बहाली होगी दूसरे फेज में भी। जी शुभी।